नमस्कार दोस्तों, A3hindi में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और यह वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज का 17वां एपिसोड। वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज एक Q&A सीरीज जिसके अंदर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका सवाल इस सीरीज में शामिल हो तो अपने क्वेश्चन को #A3hindi के साथ किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ सवालों से। तो सवालों से पहले हैं तीन वार्निंग। पहली है मोहम्मद फवाज, अपना FB इंस्टा का सोशल अकाउंट बनाइए। दूसरा लर्न गेम्स, ये भी बोलते हैं FB ट्विटर एंड इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाइए। तीसरा मोहम्मद आदिल जो 6, इन तीनों ने बोला है कि आपको सोशल नेटवर्क साइट पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और लर्न गेम्स ने तो बोल भी दिया है कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो सबसे पहले सॉरी भाई साहब, और मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं वो नहीं बना पा रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं क्या है रीजन। 2 साल पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया था fawnhindi.com के नाम से, और ये मेरा जो भी A3hindi चैनल है ये बिल्कुल परमानेंट नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी fawnhindi के नाम से वेबसाइट हो, उसी के नाम से चैनल का अकाउंट हो, सारी चीज़ें उसी के नाम से मैनेज हो। लेकिन फिर अभी 6-7 महीने पहले A3hindi पर ही मुझे बिल्कुल परमानेंट काम करना पड़ा, और मेरा वो जो प्रोजेक्ट था fawnhindi वाला, वहाँ वेबसाइट बनी हुई है, उसका फेसबुक का भी पेज बना हुआ है, और फेसबुक पर इंस्टेंट आर्टिकल की सर्विस भी शुरू हो चुकी है, ट्विटर पर भी अकाउंट बना हुआ है। तो अभी मैं क्या वेट कर रहा हूँ कि दिवाली तक का वेट हो जाने दो, दिवाली तक का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तक क्या रहता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है। अभी एक के बाद एक काम आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोन लॉन्च हो रहे हैं, तो इसीलिए इस समय काम का प्रेशर बहुत है। दिवाली के बाद इतने ज़्यादा फोन लॉन्च नहीं होंगे, और लगभग 1-1.5 महीने तक मिलेगा थोड़ा सा सुकून। तो उस समय क्या होगा, जो fawnhindi का जो URL है उसका सबसे पहले तो मैं URL चेंज करके A3hindi.com कर दूंगा, और ट्विटर अकाउंट, इसके अलावा फेसबुक का जो पेज है उसको भी A3hindi में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि पूरा ये सब फिर A3hindi का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी कम से कम 1.5-2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। पूरा URL चेंज करो, ऊपर से नीचे सारी सेटिंग्स चेंज करो। केवल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाने की बात होती तो मैं आज ही बना देता, मतलब कितनी देर लगेगी। लेकिन मुझे वो पूरा सेटअप करना है, 2 साल की मेरी मेहनत ऑलरेडी है। उस वेबसाइट पर कई सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो fawnhindi.com को। तो मतलब सारी चीज़ें सेट है, बस आप मुझे एक महीने का टाइम दीजिए। जैसे ही दिवाली होती है मैं तुरंत उस पर काम करता हूँ, और उसके बाद आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, फेसबुक का पेज भी मिल जाएगा, ट्विटर मिल जाएगा, और इंस्टा पे भी, समझ सारी जगह पर आपको मेरे अकाउंट मिल जाएंगे। तो बस थोड़ा सा वेट रखिए, और ऐसी अनसब्सक्राइब जैसी बात मत कीजिए। तो अब चलते हैं आज के पहले सवाल पर, जो पूछा है निशु चौधरी जी ने, जो बोलते हैं भाई सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 कितने कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, गोल्ड एंड ब्लू। अगला सवाल आरकेस क्रिएटिविटी का, भैया सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा क्या, तभी जब आप सैमसंग का ही फोन लेना चाहते हो, नहीं तो 12-13 हज़ार में इससे भी अच्छे ऑप्शन है मार्केट में। लेकिन अगर आप सैमसंग का ही फोन लेना चाहते हो तो J7 डुओ एकदम कमाल का ऑप्शन है। और रेडमी नोट 5 प्रो का प्राइस इंक्रीज हुआ है क्या, नहीं हुआ। अगला सवाल टेक्निकल BLP का, ये बोलते हैं भैया सैमसंग A7 2018 फोन तो एकदम ठीक ठाक निकाला है सैमसंग ने, तो इस बारे में आप क्या बोलोगे, और सैमसंग के पी सीरीज में कुछ अच्छा होने वाला है क्या। पी सीरीज के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ A7 2018 वाकई एक ठीक ठाक फोन है सैमसंग की तरफ से। यानी कि ए सीरीज में जो भी लॉन्च किए थे A6 और A6 प्लस, वो मुझे वाकई बकवास फोन लगे थे, स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर था। लेकिन अभी जो आपको यहाँ मिलता है एक्सिनोस का 7885 प्रोसेसर, वो समझिए लगभग स्नैपड्रैगन 636 के आसपास का, इवन उससे थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस में J7 डुओ पर देखिए जो काम, कमाल की परफॉर्मेंस है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल दिया, डिजाइन भी ठीक ठाक है, रियर पर ट्रिपल कैमरे हैं, यानी कि कुछ नया कुछ यूनिक आपको यहाँ मिल रहा है। ओवरऑल A7 2018 मुझे ठीक ठाक फोन लगा, काफी टाइम बाद सैमसंग की तरफ से। अगला सवाल मुस्कान गुप्ता का, MI A2 वर्सेस वीवो V9 Pro वीडियो बनाना लॉन्च होते ही। तो वीवो V9 Pro तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन A2 के साथ इसका कंपैरिजन मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो A2 परचेज किया था वो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि मुझे फोन अच्छा नहीं लगा। और यकीन मानिए MI के फोन पर वैसे तो नुकसान जाता नहीं है, लेकिन वही एक ऐसा फोन था जो 17,000 का लेने के बाद 16,000 का मैंने सेल किया है। फोन में वाकई कुछ खास नहीं है, केवल स्नैपड्रैगन 666 है, ना तो डिस्प्ले अच्छा है, ना आपका डिजाइन अच्छा है। इसके अलावा 3.5 का हेडफोन जैक भी हटा दिया, microSD कार्ड स्लॉट तक नहीं है। तो बस इस वजह से फोन मुझे अच्छा नहीं लगा, और अब मैं उसे दोबारा परचेज भी नहीं करूंगा, क्योंकि दोबारा परचेज करने के बाद रीसेल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है उस फोन को। V9 Pro का हालांकि मैं रिव्यू करूंगा, MI A2 के साथ नहीं, लेकिन और फोन्स के साथ कर दूंगा, गैलेक्सी J8 के साथ कर दूंगा, इसके अलावा Redmi Note 5 Pro के साथ कर दूंगा, और Vivo V11 Pro के साथ कर दूंगा, F9 Pro के साथ कर दूंगा, F9 के साथ कर दूंगा, जो भी फोन आप बोलोगे उसके साथ कर दूंगा, लेकिन A2 के साथ नहीं हो पाएगा। पिंकू मोदी जी का अगला सवाल, सैमसंग J4 Plus की अनबॉक्सिंग कीजिए। फोन आ चुका है, अगर आप वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज का वीडियो शूट ना करना होता तो इस समय मैं J4 Plus की अनबॉक्सिंग ही कर रहा होता। अगला सवाल सोनू यादव जी का, धर्मेश भाई मैंने Realme 2 Flipkart से ऑर्डर किया है, बढ़िया है या नहीं, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। Realme 2 15-20 दिन हो गए लगभग चलाते हुए, किसी तरह कोई इशू नहीं है, एकदम कमाल का फोन लगा। बस एक इशू लगा, जब आप फोन को ज्यादा देर यूज करते हो तो हीट थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है,
वो बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है। बस इसके अलावा और कोई इशू नहीं लगा और रियलमी 2 वाकई इस प्राइस रेंज में एकदम परफेक्ट फोन लगा। जैन कुमार जी का अगला सवाल, हैशटैग A3hindi के सैमसंग A7 2018 का प्राइस 6 मंथ्स में कम होगा, हो भी सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है दिवाली पर ही हो जाए। वरुण 13 जी का अगला सवाल, हैशटैग A3hindi क्या रियलमी 2 प्रो ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। मोहम्मद आदिल जू 6 का अगला सवाल, हैशटैग A3hindi, भाई A3hindi का मतलब क्या है? असल में A3 का मतलब अ और तीन, जो मेरा लोगो है, अतीन मेरे फ्रेंड का नाम है, जो मैं और वो साथ साथ काम करते हैं सारे, मतलब जितने भी काम है हमारा, सेल आउट और सेल इन का, उसका मोबाइल का, इसके अलावा ये चैनल का, वेबसाइट का, मतलब सारे काम में हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं, तो बस मेरे वो फ्रेंड का नाम है अतीन। आपका अगला सवाल इसी में, और सैमसंग ने A7 2018 लॉन्च कर दिया है 3 कैमरे वाला, तो भाई उसकी अनबॉक्सिंग कब आएगी? कल उसकी फर्स्ट सेल है, कल बुक कर दूंगा, 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएगा। अब फोन तो आ जाएगा 4 दिन में, लेकिन अनबॉक्सिंग का मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि अभी J4+ मेरे पास आ चुका है, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, कल तक आ जाएगा J6+, उनकी अनबॉक्सिंग करनी है, इनके कई सारे कंपेरिजन आपस में करने हैं, तो थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन करूंगा जरूर। लर्न गेम्स का अगला सवाल, हैशटैग A3hindi, भाई कौन सा प्रोसेसर अच्छा है अंडर 10 के आपको स्नैपड्रैगन 625 ही मिलेगा, इसके अलावा तो और कुछ मिलेगा नहीं, तो बस यही अच्छा है। मोहम्मद फबाजी का अगला सवाल, सर मुझको बताइए कि माइक्रोमैक्स आज से 3-4 साल पहले कितनी बढ़िया कंपनी थी, वैसी ये कंपनी कार्बन भी थी, इनके फोन 2015 में कितने मशहूर थे, पर अब ये कंपनी इतनी लो क्यों हो गई? लो हो गई क्योंकि ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपना फोन नहीं दे पाई, यानी कि 9000 में जो चीज MI दे रही थी वो ये चीज 11-12-13 में दे रहे थे, और कस्टमर इतना पागल नहीं है। इसके अलावा इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ख़राब थी, आज भी ख़राब है, तो बस यही कुछ चीज़ें थी इनके गिरने की। और बात करें, देखो सैमसंग भी आज जहाँ है, अगर वो इसी तरह से चलती रही, इसी तरह से ओवर प्राइस फ़ोन लाती रही, तो ज़रूरी नहीं सैमसंग भी वहाँ बनी रहे। नोकिया भी एक टाइम अपने टाइम पर बनी हुई थी, लेकिन जब एंड्रॉयड का टाइम आया, अगर आप खुद कुछ चेंज नहीं करोगे तो मार्केट से आप आउट हो जाओगे। तो यही हुआ कार्बन और माइक्रोमैक्स के साथ, चीज़ें जब सस्ती मिलने लगी लोगों को, लेकिन फिर भी अपने ये वही रेट पर बने रहे, तो इस वजह से मार्केट से आउट हो गए। इसी में आपका अगला सवाल है, आज फोन 3G जीत देते हैं, ये 4G का जमाना है, और आपने कैनवास फायर 4 2015 में 6000 रुपये का लिया था, जो आपका आज भी बढ़िया चल रहा है, आप जो मैसेज टाइप कर रहे हो वो भी उसी से कर रहे हो, तो आपका मतलब ये है कि फ़ोन जो भी हो वो लेना चाहिए, वो 4G 3G से फ़र्क नहीं पड़ता, 4G की ज़रूरत है तो आप अलग से JioFi खरीद लीजिए। तरीका सही है, लेकिन अगर 6000 रुपये में आपको 3G फ़ोन मिल रहा है और 6000 में ही मिल रहा है 4G, तो फिर आप 3G क्यों लोगे, फिर आप 4G ना लोगे। अगर 6000 रुपये में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई 4G फ़ोन नहीं है, और जो 3G फ़ोन मिल रहा है वो वाकई परफेक्ट है, तब आपको तुक बनता है उसे लेने का। लेकिन आज जिस रेंज में माइक्रोमैक्स अपने फ़ोन देता है, उसी सेम रेंज में MI हुआ, या फिर बात करें रियलमी हुआ, या फिर हुआ ऑनर, वो उससे अच्छे स्पेसिफिकेशन देते हैं, तो ऐसे में फिर माइक्रोमैक्स का बिकना थोड़ा सा मुश्किल है। अगला सवाल मोहम्मद अरशान जी का, हैशटैग A3hindi, भाई तुम दिल्ली 8-10 बार आ चुके हो, दिल्ली में किस जगह आए थे? मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, दिल्ली में किसी फिक्स जगह पर नहीं आया था, मैं दिल्ली घूमने आया था, कभी लाल किला घूमा, कभी कहीं घूमा, आज से 7-8 साल पहले मैं कश्मीर घूमने गया था, तो पूरा दिन मैंने दिल्ली में ऐसे घूम घूम के बिताया, तो ऐसे ही मतलब कोई पर्टिकुलर काम की वजह से नहीं आते, या मेरा वहाँ पर कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है जहाँ मैं घूमने आऊँ, बस ऐसे ही दिल्ली घूमने आते हैं, कभी कहीं घूमा कभी कहीं घूमा, तो लेकिन हाँ अगली बार जरूर आऊँगा तो आपको बता दूंगा, कोई मीटअप वीटअप कर लेंगे, आपस में मिलेंगे। तो सवाल आपका ये है कि मुझे लगता है इंडिया में टॉप 5 ब्रांड सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ऑनर। बिल्कुल जो आपने बताई वो लिस्ट सही है, लेकिन मुझे लगता है ऑनर, वीवो और ओप्पो, इन तीनों से आगे बहुत जल्दी नोकिया निकल जाएगी, क्योंकि जो काम अभी नोकिया कर रही है वाकई कमाल है। लव इज लाइफ का अगला सवाल, सर आप कैसे हो? और मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, अर्जुन, हाँ याद आया, मेरा YouTube अकाउंट बंद कर दिया है और मैंने YouTube ओपन करे तो शो कर रहा है कि कुडंट साइन इन, ट्राई रिमूविंग एंड रीएडिंग योर अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, लर्न मोर। 7 डेज हो गए हैं मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर के दीजिए प्लीज सर। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपकी आईडी पर कोई भी सेंसिटिव डाटा ना हो तो आप मुझे अपना आईडी पासवर्ड सेंड कर सकते हैं, मेरा आईडी वहीं अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के, फिर मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं आपको प्रॉब्लम बता दूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और किस वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ। तो नहीं, अभी और सवाल है। वाजिद सौदागर जी का अगला सवाल, हैशटैग A3hindi, GTA गेम्स हाउ टू डाउनलोड, आपका मतलब हाउ टू डाउनलोड। तो GTA गेम्स डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक आपको यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दो बार मैंने बताया था कि GTA गेम्स कैसे डाउनलोड करें, तो उसका फिर वो
यूट्यूब की तरह से कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गए थे, कुछ वार्निंग आ गई थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस वजह से मैं ये चीजें यहाँ पर नहीं शो कर सकता। गूगल पर सर्च करिए, 85 वेबसाइट आ जाएंगी, किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए play.move.org को छोड़ के, पहले वहां पर सारे गेम्स मिल जाते थे लेकिन अभी वहां पर कोई भी उनका लोचा हुआ है गूगल प्ले स्टोर के साथ, तो अभी वहां से सारे गेम्स उन्होंने हटा दिए हैं। उसके अलावा कोई और वेबसाइट चेक कर लीजिए, किसी ना किसी वेबसाइट पर आपको OBB फाइल भी मिल जाएगी और APK भी मिल जाएगी, गेम्स मजे से चलाइए। टेक की आकाश हैशटैग A3hindi, जैसे अपन नेक्स्ट कौन से साल में फोन लॉन्च हुआ था और उसे दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कैसे मिले, नौगट भी मिल गया और ओरियो भी, तो वो हुआ था 2017 में लॉन्च और केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिला है। नौगट के साथ तो वो लॉन्च हुआ ही था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिला है ओरियो का। टेक की आकाश जी का एक और सवाल, हैशटैग A3hindi में सैमसंग J7 यूज करता हूं लेकिन उसकी बैटरी जैसे ही 30% होती है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और मोबाइल की बैटरी 0% हो जाती है और मैं मोबाइल को रात भर चार्ज पर रखता हूं तो इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना। तो नाइट पूरी रात अगर आप फोन चार्ज करते हो उस वजह से तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो भी दिक्कत आई है उसके लिए आपको सर्विस सेंटर ही जाना होगा, हो सकता है आपकी बैटरी में इशू हो या फिर हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो, तो सर्विस सेंटर ही जाइए, बाकी का रात भर चार्ज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही थे कुछ सवाल इस बार की वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज के, मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका सवाल भी इस सीरीज में शामिल हो तो अपने क्वेश्चन को हैशटैग A3hindi के साथ किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।